इस तरह की लाइब्रेरी आप बताएं ताकि हम इतना बड़ा प्रोसेस लिखने के बजाय फिर वही चीज यूज करके आप मतलब किस प्रोसेस को अवॉइड करना चाह रहे हैं? ये जो सिक्योरिटी है डेटा इंजीनियरिंग का पेपर है हमारे पास जो है उसकी सर्विसेज मौजूद है। हमारे पास जो है वो एक सर्विस है डेटा फ्यूजन के नाम से। और अभी रिसेंटली आई थिंक गूगल एप शॉर्ट फॉर सभी तो लोगों ने एक दो सर्विसेज और लॉन्च की हैं बट दे आर नॉट होना चाहिए मतलब जनरल अवेलेबिलिटी में नहीं होंगे। बट मेरी जो डेटा फ्यूजन है वो यूज़ हो रही है। अब डेटा फ्यूजन जो है ना ये कम्प्लीटली जो है वो जैसे कह रहे हैं कि कोई ऐसे लोग इनको इनडेप्थ नॉलेज नहीं है अगर या वो लॉजिक नहीं लिखना चाहते तो ये उनके लिए कि आप जो है वो सिंपली यूआई में जाके यूआई में आप कंप्यूटर से ग्रू करें और आप ये करेंगे। बट ना इसमें एक प्रॉब्लम अच्छा डेटा फ्रेम के साथ साथ हमारे पास एक और है डेटा टैप के नाम से एक टूल है डेटा प्रैप। इसका डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ें अच्छा टूल्स जो है ना ये चीज़ मेरे अभी तक समझ में हमेशा यही रहा है कि टूल्स जो है ना चाहे कितना भी बड़ा टूल हो ना हमेशा उसकी इम्प्लीमेंटेशन डाल देती है। टूल जो है ना उसमें कस्टमाइजेशन उस लेवल की नहीं होती जो कस्टमाइजेशन आप प्रोग्रामेटिकली या आप कोड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है तो लेट्स से अगर आपकी ETL है आपको कोई उसमें कोई भी बिजनेस मॉडल अप्लाई करती है तो लाजमी है कि उस टूल के अंदर सपोर्ट होगा। ठीक है तो उस टाइम पे जब वो आपकी प्लेन पाइथन या इस टाइप की यहाँ पर काम आते हैं। ठीक है तो इसके फिर हमें इवेल्यूशन करने की जरूरत होती है कि हमारी नीड क्या है। ठीक है अगर हमारे पास कोई इतनी हाई फाई बिजनेस मॉडल नहीं है हमें सिंपली ETL लिखनी है मतलब फाइल से डेटा पकड़ पकड़ के लोड करती है बीच में कुछ। ठीक है तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें फिर हमें ये भी याद रखना पड़ता है कि हमारे पास कॉस्टिंग की चीज़ों की ज़्यादा होती है। ठीक है इन चीज़ों की बात करें कॉस्टिंग मिला बहुत ज़्यादा होती है। सही है पाकिस्तानी सर्विसेज की अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी डेटा टाइप। अच्छा डेटा टाइप क्या करता है बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया गया हम जो है ना वो फाइल पिक करेंगे क्लाउड फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखेंगे और उस फाइल को जो भी ट्रांसफॉर्म करना है करेगा और करके लोड कर देगा क्लीन में। लेकिन लेट्स से आप चाहते हैं कि हम पाइथन ही लिखना चाह रहे हैं मैं लोड होना उसको यू आई लोड करना चाह रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं डेटा प्रेप से हमारे पास दो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक क्लाउड स्टोरेज कनेक्टेड होती है और एक मतलब बिग क्वेरी कनेक्टेड होती है। तो आप क्या कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज की जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं डेटा प्रेप के अंदर। डेटा प्रेप के अंदर फिर आप यू आई के जो भी आप करना चाहें ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप आप अपने करें आपको वो भी और इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं डेटा प्रेप के अंदर। ठीक है मैंने तो यूज़ किया उसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं डेटा प्रेप में और आप वो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वो सॉर्ट ऑफ आपकी एक ना रेसिपी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ये रेसिपी का वर्ड यूज़ करते हैं लोग स्टेप नंबर वन पर आपने ये किया टू पे ये किया थ्री पे ये किया और फाइनली जब आप अपनी रेसिपी सबमिट करते हैं तो वो क्या करता है इस फाइल के ऊपर वो पूरी रेसिपी अप्लाई करता है और अप्लाई करके जो फाइनल क्लीन डेटा बनता है उसको पकड़ के बिगरी के अंदर लोड करता है काइंड ऑफ फ्लो बना देता है फ्लो बना देता है। ठीक है तो एक ये भी मार्केट ऑप्शन अवेलेबल है तो लेकिन इसकी मार्केट प्राइसिंग ज़्यादा होती है स्टिल वो प्राइसिंग का फैक्टर आ जाता है। तो ये मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में ज्वाइन किया था तो मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश की थी और उस टाइम पर इसकी जो प्राइसिंग है वो कोई जो हमारी नीड थी जो हमारा जितना डेटा हमारा था उसके हिसाब से कोई $800 इसकी प्राइसिंग हमारे पास आ रही। ठीक है और उस अल्टीमेटली फिर हमने क्या किया कि हमने जो उसको फिर उसका यूज़ किया कस्टमर आईडी यूज़ किया $800 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आपको वो भी बताता चलूँ कि तो पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब इस टाइम सिचुएशन हो तो हमें जो है वो किस क्या अच्छा मेरे पास मैं आपको अब आपको लिमिटेशन बताता हूँ तो मैंने मेरे पास लिमिटेशन क्या है कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये सेम एक्सपीरियंस जो है ना वो आप भी कभी फेस कर सकते हैं। मेरे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरे पास तकरीबन डेली 6000 फाइल आ रही पूरे 6000 फाइल्स का प्रोसेस है। ठीक है अच्छा हमारे पास ना जो पाइथन का डेटा फ्रेम होता है ना वो शायद मुझे लगता था इस तरह का काम करता पहले कि पाइथन का डेटा फ्रेम है इसमें सब कुछ हो सकता है। ठीक है और ये मैगी कैश में डेटा लोड कर रहे हैं उनकी मिले। ठीक है लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं होता कुछ मिलियंस ऑफ रोज के लिए आई थिंक कुछ लाख रोज के लिए बहुत ऑप्टिमाइज है लेकिन उसके बाद जो है ये एज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने जो क्लाउड फंक्शन में इसको यूज़ करना शुरू किया था तो एक बार मैंने इसमें डेटा लोड किया था आई थिंक 1 GB का डेटा था और इसने जो मैंने जब क्लाउड फंक्शन की मेमोरी प्रिंट करवाई तो वहाँ पर उन्होंने मेमोरी लिया था तकरीबन 5 से 6 GB की मेमोरी अवेलेबल कर रहा था तो ये मन जो है ना बड़े रोज के लिए लार्ज डेटा के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता डेटा। अच्छा लेकिन अल्टीमेटली मुझे यूज़ यही करना था मुझे कुछ और आता नहीं था उसको। ठीक है मुझे यूज़ यही करना ये ऑप्शन था मेरे पास तो मैंने इसकी अप्रोच फिर ये निकाली कि मेरे पास 6000 फाइल्स थी मैंने अपना पाइथन का कोड इस तरह लिखा कि मैंने इन 6000 फाइल्स को चंक्स के अंदर पिक करना शुरू किया मैंने एक लूप लगाया फॉर और
मैंने कहा कि भैया आप सबसे पहले ये 500 फाइल्स क्लिक करो, 6000 में 500 फाइल्स क्लिक करो, उन 500 फाइल्स का जो भी डेटा है उसको एक डेटा फ्रेम में लोड करो। एक मैंने डिक्लेयर किया लोकल डेटा फ्रेम और एक मैंने डिक्लेयर किया ग्लोबल डेटा फ्रेम, दो डेटा फ्रेम डिक्लेयर। मैंने कहा कि आप 500 फाइल्स का डेटा जो है वो डेटा फ्रेम में लोड करो लोकल डेटा फ्रेम, ठीक है। मतलब अच्छा ये फाइलें रीड होती है ना, तो ये 500 फाइल एक साथ रीड नहीं होती, 1 फाइल सेकंड फाइल, ठीक है। तो उसने 500 फाइल का अपडेट किया, 1 by 1 सारी फाइल्स का डेटा इसमें लोड किया, इसका डेटा फिर डंप कर दिया इस ग्लोबल डेटा फ्रेम इसमें, अपेंड कर दिया। और जैसे ही इसमें इसने अपेंड किया, अच्छा ये मैंने इसमें इसको इस तरह किया था कि मल्टी उसके थ्रेड पे किया कि जैसे ही इसके अंदर 500 फाइल्स का डेटा रीड हो जाए तो ये क्या करें, इस डेटा फ्रेम अपने अपना जो डेटा है ग्लोबल में डंप कर दे और अपने आप को एम्प्टी कर दे, ठीक है। और फिर चला जाए ये 500 फाइल्स के और ये क्या करें, इन 500 पिछली 500 उनका डेटा पकड़े और पकड़ के बीटोरी करने लोग हर फाइल जब रीड करते वक्त आप उसको अपेंड कराते तो भी मेरे ख्याल में वो लाइट प्रोसेस तो भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, बट हमारे पास ज़्यादा थे, हमारे पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट था, तो इसलिए मैंने 500 का उसका जो एक चंक था वो 500 का, तो हुआ क्या कि इसने 500 का चंक रीड करके अपने से अगले वाले में ट्रांसफर कर दिया, अगला वाला बीक्यूरी में लोड कर रहे हैं, इन द मीन टाइम ये पिछली 500 रीड करता है। तो इस तरह जो है वो ये पूरा प्रोसेस हमने लिखा था, तो इस तरह हमारी 6000 फाइल जो है इस तरह प्रोसेस। एक ऑप्शन फिर हमारे पास ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास ये डेटा फ्रेम नॉर्मल पाइथन का डेटा फ्रेम है हमारे पास वर्कआउट नहीं करता तो फिर हमारे पास जो है वो स्पार्क आता है, ठीक है। स्पार्क में डेटा फ्रेम अपने वहाँ स्पार्क में आते हैं तो हमारे पास जो स्केलेबिलिटी है इस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये मेमरी का लिमिटेशन थे, 8 GB की मेमरी और 9 मिनट्स का टाइम होती है, हमारे पास ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। स्पार्क में अच्छा स्पार्क में चीज़ है ये, आई थिंक हम थ्योरेटिकल डिस्कस नहीं करेंगे इसको, हम जो है ना वो प्रैक्टिकली ही इसका एक मैंने वीडियो बनाएंगे तो वो मैं डेमो करूँगा, अगर थ्योरेटिकल बताऊंगा तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हम प्रैक्टिकली इसको देंगे, एक इडियट हम एग्जाम्पल देंगे। अच्छा ये हो गई, अब आ जाते हैं इसके स्पार्क चाहिए कि सपोर्टेड है। स्पार्क में हमारे पास जो है वो स्काला होती है, स्काला जावा है, जावा है मोस्टली, मोस्टली मेरे ख्याल से लोग जावा यूज करते हैं, पाइथन के इतने रंग के सब होती है सब है। और पाइथन पे कहेंगे जो जिस तरह जो पाइथन के फंक्शन अवेलेबल है वही होगा, वही होगा, मतलब आप फिर नॉर्मल पाइथन के फंक्शन भी मूव कर सकते हैं और पाइथन के फंक्शन। अच्छा डैग का नाम सुना है आप लोगों ने, डायरेक्टर साइड का, ठीक है। डायरेक्टर साइड के ग्राफ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि उसमें हमारे पास लाइक मूव फॉरवर्ड होगा, हमारे पास साइकिल क्रिएट होगी पीछे। अब जब हम बात करते हैं कि आउटकम कंपोजर की, तो उसमें उन्होंने बेसिकली जिसे भी है वो ये फ्लो की हमारे पास एक मैनेज सर्विस बना के दी है जिसका नाम उन्होंने रख दिया है क्लाउड कंपोजर। अब इस क्लाउड लेट्स से मेरी ETL के ना, अब एक पॉसिबली मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि हमारे पास आप, मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने ना एक फाइल आती है, आपने उस फाइल को प्रोसेस करके लोड करना है, उसके पॉसिबली क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये हो सकता है कि आप है ना उस फाइल को लैंडिंग जोन से प्रोसेसिंग जोन में कॉपी कर रहे हैं। सेकेंड आपके पास स्टेप ये हो सकता है कि आप उस सेकेंड जोन से पिक करें और उसको जो है ना वापस को बिजनेस लॉजिक में अप्लाई करें। थर्ड स्टेप ये हो सकता है लेट्स से कि आप बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने पर उसमें कुछ कॉलम जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं लेट्स से। फिर आप कहते हैं कि अब फाइनल मैं इसको बिक्यूरी के अंदर लोड करना चाहता हूँ, बिक्यूरी के भी स्टेजिंग टेबल। अच्छा ये स्टेजिंग टेबल का भी कॉन्सेप्ट हम इसके बाद दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और फिर आप कहते हैं कि बिक्यूरी के मेन टेबल में आप लोड करना चाहते हैं। अब ये आपकी इंडिया के पॉसिबल 5 से 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब बजाय इसके कि आप अपना ये अच्छा इन स्टेप्स के बीच में भी डिपेंडेंसी है लेट्स से, आप कहते हैं कि यार मेरा ये वाला स्टेप तभी एग्जीक्यूट हो जब जे और जे कम्प्लीट हो चुका हो सक्सेसफुल, और अगर जे और जे कम्प्लीट ना हो तो अगले वाले मेरा रन ना, अगर आपका इस तरह का स्टैंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर साइकिल ग्राफ्स का बना सकते हैं, मल्टीपल टास्क, ठीक है। आप कहते हैं कि ये आपका एक टास्क हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड टास्क हो गया, ये आपका थर्ड टास्क हो गया, इस तरह सो ऑन सो ऑन, ठीक है। और आपने टास्क में वो डिपेंडेंसी सेट कर देते हैं इस तरह, ठीक है। ये आई थिंक जब हम वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आपका टास्क ही रन होगा, टास्क ही कंप्लीट होने के बाद अगले वाले को फिर देगा, अगला वाला रन होगा, इसी तरह ये आपको पूरा फ्लो चलेगा। अब इसमें फ़ायदा आपको ये है कि एक तो आपने आपके पाइपलाइन के जो स्टेप्स हैं ना आपने उनको ऑर्केस्ट्रेट कर दिया, तो पहले एक रन हो दूसरा रन हो तीसरा रन हो, और थर्डली सेकेंडली आपको इसकी जो है ना विजिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। बजाय इसके कि आपके पास ये एक ही टास्क होता
उसमें आपको पता नहीं चल रहा था कि आपकी कौन सी वाली चीज़ नसीबित होगी, और अब आपकी नॉलेज जो है वो कम्प्लीटली थोड़ी सी डिवाइड हो चुकी है, वो आपको पता है कि अच्छा आपकी ये वाला स्टेप ऐसे हो रहा था, आपके पास विजिबिलिटी चल रहा है ठीक है। और इससे भी मोस्टली हम ना पैथन पैथन को नहीं लेते हैं नहीं डायरेक्ट, बेसिकली हम कोड देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें ना आपको दो तीन लाइन लिखनी पड़ती है, वो आपका रिव्यूजन पूरा बना के देता है ठीक है, वो हम कोड देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसमें हमारे पास ये होता है कि जिस तरह कह रहे हैं कि रोल बैक वगैरह तो वो चीज़ें तो वो रिलेशन डेटा बेस की चीज़ें वो तो फिर आरटीटीएस वगैरह में फर्क नहीं आ सकता, हमें यही बोल रहे वो चीज़ उसमें और स्पार्क भी यूज कर रहे हैं तो पीछे हमें नोट्स का कितना आइडिया होता है कि कितनी नोट्स हैं वो फिर हम जब क्लस्टर बनाते हैं तो हम हमें बताते हैं स्पेसिफिकली हमारे मास्टर नोट कितने होंगे और हमारे वर्कर नोट कितने होंगे, और फिर उसमें हमारे पास एक ये भी ऑप्शन होता है कि हम ऑटो स्केलिंग लगा दें, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि उसको स्केल अप करने के लिए लगाएं स्केल डाउन करने के लिए, तो फिर अपने आप को एडजस्ट करता है जो कोर रैम वगैरह है वो भी पता होती है ऑलरेडी वो बताओ। और स्पार्क का शेल अवेलेबल है अगर मैं स्पार्क का शेल टेस्टिंग करनी है पहले स्क्रिप्टिंग से पहले मैं टेस्टिंग करनी है तो स्पार्क शेल भी अवेलेबल है स्पार्क शेल तो इंटरनेट चल गया बिल्कुल डेटा लेक में, तो उसके भी ये फंक्शन ट्रिगर हो सकता है।
ठीक है, आप इस फाइल को डिलीट करते हैं तो उसमें भी ट्रिगर हो सकता है। फाइनलाइज मतलब फाइनलाइज एंड क्रिएट मतलब आप फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल डेटा के अंदर जाएंगे तो उसमें भी ट्रिगर हो सकता है। और इसी तरह अगर आप इस फाइल का मेटा डेटा क्रिएट करते हैं तो उसमें भी ट्रिगर होता है। तो हमें फिलहाल फाइल के लिए उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सी बकेट पे जो है वो लिसन कराना चाहते हैं। मैं यहाँ से अब अपनी लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेव एम एफ आर एंड सैंडबॉक्स का भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अच्छा अब इसमें ये भी होता है कि क्योंकि हमारे पास ना जब चीज़ें ये ऑब्वियसली चीज़ें ओवर द नेटवर्क हमारे पास रन हो गई ऑब्वियसली नेटवर्क के अंदर फेलियर हो पास तो इसे कहेंगे शॉर्ट ऑफ इंटरनल एरर्स होते हैं 50 सीरीज के एरर्स होते हैं। तो उस केस में अगर हम ये वाला ऑप्शन चेक कर देंगे ना रीड ट्राई ऑन फेल, तो इसका मतलब ये होगा कि जब इस तरह की एरर आएगा इंटरनेट तो ऑटोमेटिकली आउटपुट खुद ही रिट्राई कर देगा। तो मे भी उस पर्टिकुलर 2-3 सेकंड में सर्विस डाउन हो लेकिन अगले सेकंड में सर्विस अप हो गई, तो जब वो रिट्राई करेगा तो वो चीज़ नहीं सही आपको चला जाएगा। वैसे इसका एक कॉन भी नहीं कि अगर कोई माइंड में हमारा कोड में फंसा और एक बार फेलियर होता है तो फिर इसको रिट्राई करना सबसे फेलियर हो उस केस में ये होता है कि हम कोड के अंदर ना इसमें हमारे पास रिट्राई की लाइब्रेरी होती है, उसमें लिमिट सेट करते हैं कि अगर कोड में कोई इशू आना तो वो सर्टेन रिट्राइज के बाद सेव करने के बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे मैं इस ऑप्शन को एक्सटेंड करता हूँ रन टाइम पे। अच्छा अब यहाँ पे चीज़ आ गई कि हमें जो है क्लाउड फंक्शन को बताना है कि इसको हमें कितनी मेमोरी अवेलेबल करनी है, ठीक है। मेमोरी स्लॉट्स आप देख रहे हैं 128 MB का अवेलेबल है, 256 up to 8GB, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आपका आपका यूज केस क्या है, ठीक है। आप उसको 2GB रखना चाहते हैं 4GB के लेट्स से उसको 8GB रखें और टाइम आउट टाइम आउट ना आपको यहाँ पर सेकेंड का देना देना होता है। अब आपको इवेल्यूएट करना होगा कि आपका वर्कलोड कितनी देर में कितने सेकंड का रन होगा। नॉर्मली सेफर साइड में मैं हमेशा 540 सेकंड रखता हूँ विच इज 9 मिनट्स, तो मैं पूरा पूरी लेवल की रखता हूँ 9 मिनट्स इसका टोटल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको सर्विस अकाउंट देते हैं। अच्छा इसमें ना सर्विस अकाउंट की बात हम कर रहे थे तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी बहुत सारी सर्विस है, ठीक है। अब मल्टीपल सर्विसेज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए तो अगर क्लाउड फंक्शन बिक्री के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसे किसी टेबल में डेटा डाल रहा है तो क्लाउड फंक्शन को राइट होना चाहिए या उसको वो रिक्वायर्ड परमिशन नहीं चाहिए कि वो बिक्री टेबल के साथ इंटरेक्ट करें। अब वो इंटरेक्शन किस तरह प्रोवाइड करें क्योंकि हम तो हज़ारों फंक्शन बनाएंगे, हम एक एक फंक्शन को जाकर एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हम करते क्या है कि हम एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस सर्विस अकाउंट को हम बिक्री पर राइट कर देते हैं और उस सर्विस अकाउंट हम यहाँ पे क्लाउड फंक्शन जब हम बना रहे होते हैं उसके साथ हम अटैच करते हैं। तो होगा क्या अगर उस सर्विस अकाउंट के ऊपर वो राइट्स हैं तो जब हम उसको अटैच करेंगे क्लाउड फंक्शन का तो क्लाउड फंक्शन पास ही वो राइट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। स्टिल हमें जिस भी फंक्शन के लिए बनाने होंगे तो उसके लिए वो सर्विस अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। हां आपको सर्विस को अटैच करना होगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा ना जिस भी फंक्शन के लिए क्रिएट करने के लिए, बट वो वन टाइम क्रिएट होगा। अच्छा ठीक है, वन मैंने आज ही सर्विस अकाउंट क्रिएट किया, मैंने सर्विस अकाउंट पे बीक्यूबी का राइट दे दिया सर, एक बार मैंने क्रिएट कर दिया। अब आप सब जो क्लाउड फंक्शन बनाते हैं आप सबको बिक्री के साथ इंटरनेट आप सिर्फ उस क्लाउड फंक्शन को अटैच करते हैं उसके साथ। अगर आप ये देखें नीचे मेरी स्क्रीन पर लिस्ट आ रही है तो ये देखें सारे सर्विस अकाउंट्स क्रिएट होने में पहले, ठीक है। मुझे पता है मेरा जो सर्विस अकाउंट है वो इसमें से कौन सा है, ये वाला SCC क्लाउड फंक्शन, ठीक है। अब आप अपने नाम से कोई बना सकते हैं, मुझे पता है कि मेरे इस सर्विस अकाउंट के ऊपर बिक्री का राइट्स है तो मैं ये वाला सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब जो भी बिक्री का राइट्स है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड फंक्शन। अच्छा अब चूंकि हमारे पास जो है ना वो ये क्लाउड फंक्शन होता है वो इवेंट बेस्ड होता है और अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें मैंने आपको ये बताया कि मेरे पास एक फाइल आ गई इवेंट लॉन्च होता है लेकिन वैरिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया 6000 फाइल आ रहा तो मेरे पास समझे 6000 इवेंट्स लॉन्च, एक फाइल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक इवेंट, ठीक है। मेरे पास 6000 फाइल आ गई, मेरे पास 6000 इवेंट्स क्रिएट हो, ठीक है। 6000 इवेंट्स क्रिएट होने का मतलब है कि मेरे पास 6000 क्लाउड फंक्शन के इंस्टेंस लॉन्च, ठीक है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वो क्लाउड फंक्शन की 6000 इंस्टेंस को एक ही साथ पैरेलल में चलाना चाहता हूँ या मैं कहता हूँ कि नहीं पहले एक इंस्टेंस चले फिर अगला चले फिर अगला, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आप ये चेक कर रहे हैं देख रहे हैं कि ऑटो स्केलिंग का मेरे पास आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको बता सकता हूँ कि क्लाउड फंक्शन के एट अ टाइम मिनिमम डिस्टेंस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। फॉर नाउ मैं चाहता हूँ मेरा एक टाइम पे एक इंस्टेंस हो लेकिन आप यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट कर सकते हैं आपके लिए,
आप कहते हैं कि मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 10 होने चाहिए, तो उन्हीं के बीच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना कुछ हम इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट कर सकते हैं ऑफ फंक्शन से। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का आप कॉन्सेप्ट इतना ले सकते हैं कि लेट से आपने क्या फंक्शन बनाया और आपने उसको आगे इन्वायरमेंट से अंदर मूव करना है, ठीक है। अब आपकी जो बकेट के नीचे इन्वायरमेंट बनी हुई है, मतलब डेव इन्वायरमेंट में, लाजमी नहीं है कि उस बकेट का हायर इन्वायरमेंट होगी ना, ठीक है, सही है। तो आप करते क्या कि आप उसकी ना एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना देते हैं। अब आपके ना मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ एक और जो फंक्शन है, क्योंकि ये इस तरह एक मैंने आपको बनाया हुआ क्लाउड फंक्शन दिखा देता हूँ, उसमें हम इसको क्रिएट कर देते हैं कि इस तरह इन्वायरमेंट वेरिएबल और इस तरह यूज़ होता है। तो लेट्स से मेरे पास एक क्लाउड फंक्शन बना हुआ ऑलरेडी, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये मल्टीपल इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर है, सोर्स बकेट नेम, डेस्टिनेशन बकेट नेम, सोर्स पे पेज डेस्टिनेशन, ये सब इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इनकी कोई वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब जब मैं हाई, अब जब मैं इसी क्लाउड फंक्शन को अगले इन्वायरमेंट में मूव कर रहा हूं, तो ये डेव की जगह मुझे क्यूए कर, क्योंकि मैं अभी क्यूए इन्वायरमेंट के अंदर मूव कर रहा हूं। क्यूए में इस बकेट का नाम डेवलप फॉर डेटा प्रोसेसिंग होगा, आप इसका नाम होगा क्यूए फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम इसको करेंगे क्या कि हम इसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को जो है ना वो अकॉर्डिंगली अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि कोड के अंदर अपडेट नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम नॉर्मली एक अप्रोच यूज सकते हैं कि आप कोड के अंदर जाकर डायरेक्ट वैल्यू स्टार्ट कोड करें, ठीक है। एक अप्रोच यूज सकती है कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो वैल्यूज अपडेट करें और आपको कोड ऑटोमेटिकली वही वैल्यू स्पीक करें जो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर देंगे, ठीक है। तो ये इनका टॉपिक का इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का ये बात है। तो थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दो चीज के लिए सर। एक सवाल था कि जिस तरह आज मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया बनाने के लिए, ठीक है, मैंने उसके सर्विस अकाउंट बना लिए अपने प्रोजेक्ट पे रहते हुए, तो कल को जब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ क्लाइंट को प्रोजेक्ट, तो फिर मैं क्या पूरे सर्विस अकाउंट किस तरह वो मूव करूँगा उसके अकाउंट पे, उसके प्रोजेक्ट पे किस तरह मूव करूँगा, मतलब आप कह रहे हैं। हाँ, मैंने अपने पास डेवलपमेंट कर ली, मेरे पास सारी चीज़ें सही चल रही, अब वो सारी चीज़ें क्योंकि मैंने सर्विस अकाउंट वहाँ पे ऐड करवाया है, और लेट्स से कि मैंने 20 सर्विस अकाउंट्स बनाए हुए हैं, अब मुझे याद नहीं है मैंने किस सर्विस अकाउंट में कौन कौन सी मैंने चीज़ें जो है ना वो रखी हुई थी, तो मैं किस तरह उसको पूरा मूव करवा सकता हूँ। अच्छा, उस केस में ये होता है कि इसमें सबसे पहले रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि आप अपने पर्सनल भी कभी लगाएगा। हाँ, ये होता है, ठीक है। आप सबसे पहले क्लाइंट से जो है दो प्रोडक्ट्स के लिए आपको कहेंगे मुझे टैप प्रोडक्ट क्रिएट करके इसपे से कोई राइट्स हो, और एक फ्रॉड का अपने आप कोई भी अगला इन्वायरमेंट हो उस पे जिससे आप राइट्स हो। तो GCP के एक प्रोडक्ट को उसे प्रोडक्ट में मूव करवाने का तरीका का हमारे पास यही है कि आपको जो है उसके सर्विस अकाउंट्स में ना वो उसको सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको क्रिएट करवानी पड़ेगी मैन्युअली। इस तरह वो नहीं है हमारे पास, लिमिटेड शिफ्ट नहीं है कि आपने